जिलेटिन उसमें मिला हुआ है गाड़ियों में, और कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की बातें भी सामने आई है, तो इसमें लाजमी है कि ऐसे समय जो NIA होता है वो इसमें इंटरवीन करता है। लेकिन गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अपने पास ली थी केंद्रीय संस्था ने, 7 महीने हो गए अभी तक कुछ कर नहीं पाए। ऐसा है कि सुशांत सिंह मामले की जांच केंद्र सरकार ने नहीं ली, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो केंद्र सरकार को कहा कि आप वो इनको दीजिए CBI को। और सबसे बड़ी बात, सुशांत सिंह राजपूत के केस में पूरे 2 महीने गुजर जाने के बाद वो केस CBI को मिली, तब तक पूरे के पूरे सबूत जो है वो समाप्त हो चुके थे। बावजूद उसके उन सबूतों को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम CBI ने किया, और CBI ने बताया कि हमने इसमें कोई क्लोजर रिपोर्ट अभी दिया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि डर क्या है उनको, क्या आपको लगता है? सुझाव दिया था शुक्रवार को, क्या केंद्र सरकार तक पता चल गया? क्योंकि हाँ, नाना की मांग थी सर, नाना पटोले जी की मांग थी सर, मंसूख इसमें है। ऐसा है कि हे NIA ने एक केस घेतली की दूसरी केस घेतली की दोन्ही घेतल्या याबद्दल माझ्याकडे कुठली माहिती नाही, त्याच्या संदर्भात NIA सांगू शकेल, ती माहिती मिळाल्यावरच मी त्याच्यावर जी काही रिॲक्शन देईल। मात्र यामध्ये जे काही गृहमंत्री म्हणतायत, सुशांत सिंग राजपूतची केस ही CBIला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती, ती काही केंद्र सरकारने घेतली नव्हती, आणि तीही 2 महिन्यानंतर त्यांच्याकडे गेल्यामुळे त्यात कुठलाही पुरावा हा शिल्लक नव्हता। अशा परिस्थितीत जे पुरावे आहेत त्याच्यावर इन्व्हेस्टिगेशन चाललं आहे, आणि CBIने सांगितलं आहे की आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन बंद केलेलं नाही। मनसुख मामले की जांच भी NIA करना जरूरी है, क्योंकि एक अहम कड़ी था वो। नहीं, तो हमने तो पहले मांग कर ली थी उसकी।